और अब बात करेंगे देश में एक साथ सैकड़ों लोगों को मारने की साजिश की। बात रेल टर यानी रफ्तार से दौड़ती एक्सप्रेस ट्रेन को बेपटरी करके हजारों लोगों को दुर्घटना में मारने की साजिश की बात। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर खंबा, अजमेर में ट्रैक पर बड़ा पत्थर, कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर, भटिंडा में रेलवे ट्रैक पर सर्ग। इस रिपोर्ट में आपको पूरा पैटर्न समझाएंगे कैसे पूरे देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ इसका शिकार बनाया जा सके। आतंकियों के आरडीएक्स धमाके की जद में कितने लोग आए, हैंड ग्रेनेड के छर्रे कितने लोगों के जिस्म भेदेंगे, असॉल्ट राइफल्स ने गोलियां उगली तो कितनों को लगेंगी, बम ब्लास्ट में एक साथ कितने लोग शिकार होंगे, और सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल करने की साजिश कामयाब रही तो हादसा कितना बड़ा होगा, कितने मरेंगे, इसका सही सही आकलन मुश्किल है, पर ये सैकड़ों तक पहुंच सकता है। रेलवे ट्रैक पर जिहादी फैक्ट्री से निकले मौत के सौदागरों की गहरी साजिश इशारा करती है कि हो ना हो इसके तार सीधे आतंकवाद से जुड़े हो सकते हैं। ये जिहाद नहीं, आतंकवाद है। रेल ट्रैक पर जिस तरह से वारदात हो रही हैं, वो भी एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, वो अपने आप में बता रहा है कि कोई आतंकी संगठन इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि जितनी भी वारदात हुई उसमें कभी भी कोई पीछे सबूत नहीं छूटा, और कोई बड़ा आतंकी संगठन ही बिना सबूत छोड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के पैटर्न को देखेंगे तो तीन बातें एक जैसी दिखेंगी। पहला, रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ ज्यादातर बड़े स्टेशन के आसपास हुई। दूसरा, ट्रेन को बेपटरी करने के लिए एक तरह के सामान का इस्तेमाल हुआ। तीसरा, सीसीटीवी की जद से बाहर वाले इलाके को वारदात के लिए चुना गया। ट्रेन को बेपटरी करने के लिए ऐसे सामान का इस्तेमाल हुआ जो कि लोकल लेवल पर आसानी से मिल जाए, किसी को कोई शक ना हो, और ये हथियारों को पटरी तक पहुंचाने के लिए जिहादी गैंग के लोग भी शहरों में आसानी से मिल जाए। इसमें मास्टरमाइंड ने यह ध्यान रखा कि कोई भी ऐसा हथियार ना हो जिससे कि पुलिस की नजर उस पर पड़े। यानी हादसों की शक्ल देकर ये आतंकी साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को सिर्फ फरमान जारी करना है। इसके बाद लोकल गिरोह साजिश को अंजाम तक पहुंचाता है। आतंकियों को उसे हथियार पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, वो लोहे का सरिया, सिलेंडर, लकड़ी के बॉल, फिश प्लेट को खोलकर ही सैकड़ों लोगों को शिकार बनाने की साजिश रच रहे हैं। पिछले 36 घंटे में हुई ऐसी साजिश को देखिए तो बठिंडा दिल्ली रेल लाइन पर रेलवे ट्रैक पर सरिया रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश हुई। कानपुर देहात के रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर पाया गया, इससे टकराने के बाद कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। एक दिन पहले भी कानपुर से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी को डिरेल करने के लिए प्रेमपुर स्टेशन के पास पटरियों पर 5 किलो का सिलेंडर रखा गया। 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश हुई थी। कासगंज रूट पर एक भरा हुआ गैस सिलेंडर रखा गया था। यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है, उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 kg के आसपास का होता है वो पाया गया है। सवाल बड़ा है, पूरे देश में ट्रेन हादसा कराने के एक दर्जन से ज्यादा मामलों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या इस मॉड्यूल के पीछे कोई संगठित आतंकी संगठन है? क्या ये साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई है? क्या कश्मीर का कोई आतंकी गुट देश में शांति चाहता है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रेन में सफर करने वाले सिर्फ हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान भी है। यानी ट्रेन डिरेल के जरिए बेगुनाहों को मारने की साजिश रचने वाला सिर्फ जिहादी या नफरती गैंग का नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई देश विरोधी ताकत है जो हिंदुस्तान की आत्मा को छलनी कर हलचल मचाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये जिहाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले 2 से 3 महीनों में ट्रेनों को बेपटरी करने की एक पूरी साजिश दिखाई पड़ रही है। 20 सितंबर सूरत में फिश प्लेट से छेड़छाड़ की गई। 18 सितंबर मध्य प्रदेश के नेपानगर में ट्रैक पर डिटोनेटर
बरामद किया गया। 9 सितंबर को कानपुर ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। 8 सितंबर को अजमेर में पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक दिखाई पड़े। 4 सितंबर को सोलापुर में ट्रैक पर फाउलिंग मार्क्स टूट दिखाई पड़े। 30 अगस्त देश के 3 जगहों पर ट्रैक से छेड़छाड़ की गई। 28 अगस्त को राजस्थान के 12 में ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप बरामद किया गया। तो वहीं 23 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा रखा गया। 24 अगस्त को अजमेर में इसी ट्रैक पर पत्थर दिखाई पड़ते हैं। 20 अगस्त को प्रयागराज में बाइक का ऑयल व्हील ट्रैक पर मिलता है। 18 अगस्त को जबलपुर में ट्रैक पर रेलवे की छड़े बरामद होती। तारीख और वारदात की साजिश और भी है। इसी साल जून के बाद एक पूरा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेना की स्पेशल ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश के मामले में खुलासा हुआ। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी साबिर रेलवे कर्मचारी है। अब ढूंढा यह जा रहा है कि आरोपी साबिर ने इस घटना को अंजाम देने के लिए साजिश क्यों रची। हालांकि ये मामले आर्मी से जुड़ा हुआ है और लिहाजा एनआईए एटीएस और आरपीएफ के साथ रेल मंत्रालय की टीम लगातार जांच में जुटी हुई। Z News.